हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बना रहे हैं फ्रूट चाट। तो आइए हम देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसे हम किस तरीके से तैयार करेंगे। फ्रूट चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 तरीके के फल लिए हैं। मैंने पपीता लिया है, अनार के दाने लिए हैं, सेब लिया है, नाशपाती लिया है और केला। आप कोई भी फल अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं, कोई भी सीजनल फ्रूट जो भी अवेलेबल हो उसे ले सकते हैं। सभी फलों को हम अच्छे से वॉश करने के बाद ही यूज़ करेंगे। 1 चम्मच मैंने लेमन जूस लिया है, 1 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, 1/2 चम्मच मैंने अदरक का पाउडर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर अदरक का जूस भी यूज़ कर सकते हैं। अदरक पाउडर मैंने घर में तैयार किया है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, काला नमक लिया है। नमक का इस्तेमाल हम कम करेंगे क्योंकि हम चाट मसाला का यूज कर रहे हैं और चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए नमक का इस्तेमाल हम कम ही करेंगे। फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम सभी फलों को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। मैंने सारे फल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है इस तरीके से। यहाँ पर मैंने सेब और नाशपाती के छिलके नहीं उतारे हैं, आप चाहें तो इसे छिलके उतार के भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम एक मिक्सर मोल लेते हैं, इसमें हम सभी फलों को डाल लेते हैं। और अब इसमें मिक्स कर लेते हैं सारे मसाले, चाट मसाला, अदरक का पाउडर, काली मिर्च, काला नमक, साथ ऐड कर लेंगे लेमन जूस। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये अच्छे से मसालों से कोट हो चुके हैं। मसालों की मात्रा आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो इसे मैंने सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, बन के तैयार है मेरी फ्रूट चाट। बहुत ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी है, इसे बनाना भी बेहद आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन कर तैयार हो जाती है और ये खाने में स्वादिष्ट लगती है और सभी को पसंद आती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि मेरे वीडियोस के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।